गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। मैं हूँ प्रियंका और आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। और आज का वीडियो बहुत ही खास है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और आज हम सीखेंगे कि हम कैसे बनाएंगे कंसेंट्रिक सर्कल। दोस्तों, मैंने इसके पहले आपको एनर्जी सर्कल के बारे में बताया है। एनर्जी सर्कल या कंसेंट्रिक सर्कल आप इस तरह के डॉट पेन से बना सकते हैं, ब्लैक, ब्लू, रेड, आप जिससे चाहे बना सकते हैं। बट आप लोगों को बेटर दिखे इसलिए मैं यूज़ करूँगी स्केच पेन का। तो दोस्तों, मैंने बताया था एनर्जी सर्कल जब भी आप बनाते हैं, आप सिंपल एक गोला बनाएंगे, ठीक है, और ऐसे टच करेगा। ये हो गया आपका एनर्जी सर्कल। इसके अंदर आप अपने स्विच वर्ड और मंत्रास का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आज हम सीखेंगे कंसेंट्रिक सर्कल बनाना। कंसेंट्रिक सर्कल में क्या होता है दोस्तों, कि आप एक स्टार्टिंग शुरू करेंगे, वो दोनों पॉइंट एक दूसरे को टच करने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है किसी चीज़ का अर्क निकालना। तो ये इसका मतलब हुआ कंसेंट्रिक सर्कल का, कि ये अर्क है, ये उसका सत्य है, जिसको नहीं कहते हम हिंदी में सत्य। कंसेंट्रिक सर्किल अगर आप बनाते वक्त आपका कंसेंट्रिक सर्कल नहीं मिलता है या क्रॉस कर जाता है इस तरीके से, तो ये गलत होता है। कंसेंट्रिक सर्किल में आपको एक जगह से स्टार्ट करना है और उसी डॉट पर मिला देना है, ठीक है। अब जैसे ये मेरा कंसेंट्रिक सर्कल गलत हो गया, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसको एक जगह से टच करना है और कोशिश करनी है कि एक जगह मिल जाना है। और कंसेंट्रिक सर्किल दोस्तों, उसमें शेप मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आप उसको बस बिंदु टच करें। अब अंदर का गोला आप बड़ा बनाएं, क्योंकि इसके अंदर आपको नाम लिखना होता है। इसके बाद आप एक गोला बनाएं और आप इसमें मनचाहे जितने आपके मन हो आप गोले बना सकते हैं। मान लीजिए आपको एक स्विच वर्ड और एक हीलिंग नंबर लिखना है, तो इस तरीके से आप दो गोला बनाएंगे। अभी मैं आपको बता रही हूँ, आप बाद में बना लीजिएगा। मान लीजिए इसमें एक लड़की है, उसका नाम है निशा, मैंने लिखा, ठीक है। अब निशा को मान लीजिए प्रॉब्लम है पिंपल्स की, तो पिंपल्स के लिए जो स्विच वर्ड है वो है क्रैब एप्पल, इसमें लिख दिया। अब उसके बाद जो हीलिंग नंबर है वो इसमें लिख देगी 7889674। ये बन गया निशा का स्विच वर्ड पिंपल के लिए और पिंपल के मास्क को रिमूव करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से आप कई सारी चीज़ों के लिए कंसेंट्रिक सर्किल बना सकते हैं। जैसे आपको शादी के लिए कंसेंट्रिक सर्कल बनाना है, तो आप यहाँ पे आप अपना दोनों का पार्टनर का नाम लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने अपना और मेरे पति का नाम लिख लिया, आप अपना और अपने बॉयफ्रेंड जिसका भी है नाम लिखना हो लिख सकते हैं, विशाल प्रियंका। उसके बाद मान लीजिए आपके दिमाग में कोई शादी की डेट है, तो वो आप डेट नीचे लिख सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें जो भी आपका स्विच वर्ड है शादी से रिलेटेड लिख सकते हैं। साथ ही में आप मंत्र भी लिख सकते हैं, या मान लीजिए सेफ्टी के लिए आपको लिखना, ये गलत हो गया कंसेंट्रिक सर्कल, आप इसे मत ड्रॉ कीजिएगा, पर अभी मैं आपको समझा देती हूँ। मान लीजिए हमें अपनी दोनों सेफ्टी के लिए करना है, तो यहाँ पर मैंने स्विच वर्ड लिखा डिवाइन कृष्णा गार्ड ऑन। फिर उसके बाद मुझे एक इसमें मंत्र लिखना हुआ, तो मैंने लिख दिया ओम होम जूम साहा, इस तरीके से मैंने मंत्र लिख दिया। एक चीज आपको ध्यान देनी है कि जब आप लिखते हैं तो ये जो है इस गोले को टच ना करे, जो भी आपने लिखा है वो इस खाली जगह पे हो, इस ब्लैंक स्पेस में हो, ये अगल बगल की जो लाइनें हैं इन्हें टच ना करे, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको अपने बच्चे के एग्जाम के लिए कंसेंट्रिक सर्कल बनाना है, तो आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने एक गोला और खींचा, आपने लड़के का नाम लिख दिया मनीष, मनीष का डेट किस दिन है, एक एक पेपर के लिए आप बना सकते हैं। मान लीजिए 6 जून को है, 6/6/2020 को है, ठीक है। और आपने डेट लिख दिया कि 9 से लेकर 11 AM तक के लिए है, ठीक है। और आपने यहाँ पे नंबर लिख दिया एंजल नंबर 398 एग्जाम से रिलेटेड। इसके बाद आप इसको फोल्ड नहीं करेंगे, कंसेंट्रिक सर्किल बिल्कुल भी फोल्ड नहीं होना चाहिए इस तरीके से, इस तरह से, या फटना नहीं चाहिए, डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। आपने इस तरह से बना दिया,
उसके बाद आप इसके ऊपर पानी का जग रख दो, पानी का ग्लास रख दो, आप उसी से पानी पियो या अपने बच्चे को पानी दो। मान लीजिए कोई बंदा बीमार है तो इस के आप उसका नाम लिख सकते हो, हीलिंग से रिलेटेड स्विच वर्ड, हीलिंग नंबर लिख करके उसके ऊपर पर पानी रख दो और उस पानी को उसे पिलाओ, उसको बहुत रिलीफ होगा दोस्तों। और आप इसको अपने पिलो के नीचे भी आप इतना निकाल लो, उसके बाद आप अपने बेड के नीचे से रख दो। और अगर आपके पास ब्लैक टॉर्मलिन स्टोन हो, इस तरीके से कई सारे मेरे पास हैं, कई सारे जब मैं बनाती हूँ तो उनको ऊपर ऐसे रख के बेड के नीचे डाल देती हूँ, और फिर आप इस तरीके से इसको रख दोगे, ठीक है। और अगर आप इसको मान लीजिए फोल्ड करके रखते हो, अपनी कॉपी में बनाया आपको रखना है, तो आप इसको ऐसे रखोगे, यानी जो पेज ऊपर की तरफ है आप इसको ऐसे उल्टा नहीं करोगे, ये हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से आप इसको सुबह शाम 2 बार देख सकते हो, सुबह देखो जैसे उठते ही और रात को देख लो, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी भी इशू के लिए कंसेंट्रिक सर्किल बना सकते हैं। ये डिस्टेंट एनर्जी हीलिंग का बहुत ही पावरफुल मेथड है जिसे कोई भी यूज कर सकता है, और ये काफी इफेक्टिव मेथड है। मान लीजिए आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सास बहू में पटती नहीं है, तो आप इस तरह से सास का नाम लिख के और बहू का नाम लिख के हारमोनी वाले स्विच वर्ड रख दो, और उसी का पानी आप भी पियो, अपनी सास को भी दो, और आप देखोगे कुछ दिनों में कितना डिफरेंस आ जाएगा। ये चीज़ें सच में काम करती हैं दोस्तों, दे वर्क बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी ऑलवेज वर्क्स, यू नो इट नेवर गेट डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट गेट कन्वर्टेड। सो बस ये चीज़ है कि आप इसको यूज करो, इनके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। आज की वीडियो इतनी ही दोस्तों, आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। बाय।